नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिमन्यु और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप फायरवॉल आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो उस टाइम पे आप जो है आप एक साथ नहीं कर सकते। यू कांट कॉन्फ़िगर फायरवॉल विद इन वन गो। ओके सो गाइस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा और इसमें मैं थोड़ा सा आपको टिप्स बताऊंगा और कैसे आपको फायरवॉल कॉन्फ़िगर करनी है एंड हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, दो फिल्टर होते हैं जब भी आप फायरवॉल पे रूल बनाते हैं तो वहां पे दो फिल्टर होते हैं, एक होती है वेब पॉलिसी और एक होता है एप्लीकेशन पॉलिसी, जिनको हम वेब फिल्टर और एप्लीकेशन फिल्टर बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो, आपको दोनों में बैलेंस बनाना होता है। जैसे कि आपकी कुछ बिजनेस साइट होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं ईमेल के लिए जीमेल ले लेता हूँ, परफेक्ट जीमेल मैंने ले लिया कि आपने जीमेल पे आपका डोमेन है तो आपको जीमेल एक्सेस कराना है तो। लेकिन अगर आप डिफॉल्ट कुछ एप्लीकेशंस फिल्टर अप्लाई करोगे तो वहाँ पे गूगल के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जीमेल बंद हो जाती है बाय डिफॉल्ट, या दो तीन और गूगल्स के जो अर्थ वगैरह मैप्स वगैरह वो सब चीज़ें बंद हो जाती है, परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि जब आप वेब पॉलिसी और एप्लीकेशन पॉलिसी जब आपको इम्प्लीमेंट करनी है तो आपको धीरे 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 वो सब चीजें स्टेप बाय स्टेप करनी है। जहां पे मैंने आपको बताया कि यूआरएल ग्रुप और आप अपनी एक बाईपास के लिए कैटेगरी बना सकते हैं जहां पे आप अपने यूआरएल को एंटर कराए और उसको बाईपास करा दे, परफेक्ट। तो इनके अंदर वेब पॉलिसी को आपको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना, उसमें सारे कैटेगरीज होती है, सेम चीज एप्लीकेशन फिल्टर के अंदर होता है, वहां पे भी सारी कैटेगरीज होती हैं कि आपको प्रॉक्सी वीपीएन और एप्लीकेशन फिल्टर के अंदर आते हैं, वेब स्ट्रीम एप्लीकेशन फिल्टर के अंदर आते हैं और वेब फिल्टर के अंदर आपके सारे एडल्ट कंटेंट है या फिर कोई भी किसी भी तरीके का गलत कंटेंट है, न्यूज नौकरी जॉब्स वगैरह है, वीडियो स्ट्रीम है, ऑडियो स्ट्रीम है, ये सब चीज़ें आपकी वेब और एप्लीकेशन फिल्टर दोनों के अंदर रहती हैं। और यहाँ पे जो मेजर कंसेप्ट है, मेजर डिफरेंस है बेसिकली इन दोनों चीज़ों के अंदर, कि वेब जो है ब्राउजर के ऊपर काम करता है और एप्लीकेशन जो है आपका किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर काम करता है, राइट। कोई भी एप्लीकेशन है, आउटलुक है, वीपीएन आपको यूज करना है या फिर आपको जो है कोई भी आपको क्लाइंट टू सर्वर वाला कम्युनिकेशन करना है, पी टू पी आपको करना है, तो वहां पे आपको जरूरत पड़ती है एप्लीकेशन फिल्टर की। जैसे आपको एनिंडेक्स वगैरह है, कोई भी आपको लाइव स्ट्रीम करनी है, स्काई फॉर बिजनेस यूज करना है, स्काइप यूज करना है, उन सब चीजों में आपको जरूरत पड़ती है एप्लीकेशन फिल्टर की और वहां पे एप्लीकेशन फिल्टर ही आपका काम करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे ऐड करो, मेरे को मैसेज कर सकते हैं आप, मैं आपको वहां पे हेल्प करूंगा। और तीन टिप्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आपको मॉडिफाई करनी है, ठीक है। अगर आप वीडियो पूरी देखिए तो आप तीन टिप्स भी सुन के जाना। पहली चीज, अगर आपने वेब पॉलिसी बना दी है, अब आपके पास सिनेरियो आता है कि आपकी कोई वेबसाइट जो है बिजनेस रिलेटेड है, होटल है, सपोज दैट एक होटल की वेबसाइट है जो कि आपका बिजनेस है, या आपको एडमिन को आपको चाहिए कि भाई उस होटल पे हमें बुकिंग करनी होती है, मेक माय ट्रिप हमें अलाउ कराना है, बाकी सब बंद कर दो, तो उस केस में आप दो ऑप्शन है यहाँ पे सपोज के अंदर, दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक यूआरएल बेस्ड आपको मिलता है, एक आपके बाईपास कैटेगरी, या तो आप एक बाईपास कैटेगरी बना लो या फिर आप यूआरएल बना दो, एक यूआरएल ग्रुप बना दो जिसके अंदर आप मेक माय ट्रिप का यूआरएल ऐड करा दोगे और यूजर इंटर जो यूजर सेटिंग्स होती है, यूजर जो हम कैटेगरीज से पहले जो एक यूजर के लिए यूजर एक्टिविटी करके हम जो बनाते हैं पॉलिसी में, वहां पे आपको जो है यूआरएल आप बाईपास करा देना और पॉलिसी के अंदर आपको यूआरएल ग्रुप जो है उसको बाईपास करा दो, उसको अलाउ करा दो, तो आपको जो है आपका काम हो जाएगा। फिर उसके बाद एक इशू आता है, जब आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हो तो वहां पे आपको कैसे सर्च करना है, कैसे फाइंड करना है, आपको डायग्नोस्टिक के अंदर जाना है, डायग्नोस्टिक के अंदर आप जाओगे, वहां पे आपको यूआरएल फिल्टर आपको मिलेगा, वहां पे यूआरएल फिल्टर के अंदर यूआरएल आप अपना टाइप करोगे तो आपको वो बताएगा कि किस कैटेगरी में आपकी जो है यूआरएल है, आपको किस कैटेगरी में अलाउ करना है और आपको किस कैटेगरी के अंदर ये मतलब ये जो यूआरएल है आपका जो वेबसाइट है किस कैटेगरी के अंदर आता है और आपने ये अलाउ की हुई है या फिर आपने इसको डिसेबल किया हुआ है, परफेक्ट। फिर उसके बाद आता है एक और ऑप्शन जो बहुत मेजर है, आप कभी भी सपोर्ट में भी कॉल करोगे तो वो चीज़ भी आपको नहीं बताएंगे वो लोग, लेकिन वो टेस्टिंग करते हैं, वो आपको सीखना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप किसी भी लाइव आपने कुछ चीज़ें की और वहाँ पे आपको कोई चीज़ बाईपास करनी है और वो ब्लॉकिंग आ रही है तो वहाँ पे आपको कैसे ब्लॉक चेक करना है, वो आपको चेक करना है
लोग व्यूअर में जाके, आप लोग व्यूअर में जाओगे और वहां पे इंटरफेस देखोगे, आईपी देखोगे, और आप वहां पे आपको डोमेन का नेम दिखेगा जहां पे उसको अलाउड, डिसअलाउड, डिनाइड जो भी वहां पे ऑप्शन होगा आपको वहां पे शो करेगा किस पॉलिसी के अंदर वो डिनाई हुआ है, किस फिल्टर के अंदर वो डिनाई हुआ है, आपको सारी चीज वहां पे शो करेगा। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद था कि आप थोड़ा सा ये चीज पे ध्यान दें, और अगर आप ये चीज पे ध्यान दे रहे हो और अगर आप कुछ सीखने सीखा है अपने आप सीखना चाहते हो तो भाई को सपोर्ट करो, भाई को सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और मेरी पूरी प्लेलिस्ट अगर आपने देखी है तो थैंक यू सो मच। और भाई मेरे ख्याल से टिप्स आपको ध्यान आ गए होंगे कि वेब एप्लीकेशन और वेब फिल्टर और एप्लीकेशन फिल्टर आपको बड़े अच्छे से बनाना है, एक एक चीज करके स्टेप बाय स्टेप करना है। इसको एक मंथ लगता है, एक फायरवॉल को कॉन्फिगर करने में 1 मंथ से ऊपर लगता है। उसके बाद फिर ट्रबल शूटिंग जो होती है, आपको पर्टिकुलर यूआरएल दो तरीके से आप अलाउ करा सकते हो, नंबर 1 बाईपास कैटेगरी बना के, नंबर 2 जो है यूआरएल ग्रुप बना के। फिर भी उसके बाद अगर आपकी प्रॉब्लम आती है तो आप जो है भाई लोग यूआरएल के लिए लोग व्यूअर में जाइए, और लोग व्यूवर में जाके आप जो वहां पे देखोगे तो आपको डिनाई अलाउ के सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे, किस आईपी पे क्या रिक्वेस्ट आई है, कौन सा डोमेन नेम है, किस टाइम है, वो आपको वहां पे मिलेगा एट अ टाइम। और हर एक रूल में लोग फायरवॉल जो ऑप्शन होता है हमेशा नेबल कीजिए, यही आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो भी आपको कोई दिक्कत है तो भाई तुम्हारा बैठा हुआ इंस्टाग्राम पे ऐड करो, या फिर मेरे को कहीं पे भी इंस्टाग्राम पे ऐड करो, मैसेज करो, ईमेल करनी है ईमेल कीजिए, एंड मोर वीडियो मैं आपके लिए और अपलोड करूंगा थोड़ा सा रियल बेस सिनेरियो का और लेके आऊंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। और भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर नए हो तो, ठीक है, थैंक यू।